अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नईमुल्ला और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इस्लामियात PMS 2012 के MCQs। MCQs को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ बनाएँ जिससे आप PMS और CSS के एग्ज़ाम में हेल्प ले सकें। तो आज का हमारा जो पहला MCQs है वो जो है कुरान मजीद में कौन सी सूरह बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू हुई, तो वो सूरह तौबा है। नंबर दो पे है कि सहाबी ने सबसे ज़्यादा अहदीस रवायत की, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। नंबर तीन पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, सफ़रे ताइफ से वापसी पर अन हज़रत सल्लम किस शख्सियत के हमायत उपनाम मक्का में दाखिल हुए, तो वो मतम बिन अदी। किस सन को आमल वफूद का नाम दिया गया, तो 9 हिजरी। गज़वा हनैन में अन हज़रत सल्लम ने किस शख्स से समान ने जंग उधार लिया, अरवातुल सक़फ़ी। अलदर अल मंसूर फिल तफसीर बिल मासूर, जलालुद्दीन सय्यूती साहब की तफसीर है। हज़रत बिलाल हबशी को हज़रत अबू बकर सदीक ने खरीद कर आज़ाद किया। शेखान से मुराद मुतफ़िक अलैह जिनकी हदीस होती है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हैं। हुरमत वाले महीने कौन से हैं, तो वो मुहर्रम रजब ज़ुलहज और ज़िलक़ाद। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, कुरान मजीद में कितने अंबिया और रसूलों का जिक्र आया, तो 25। किस खतून ने नबूवत का दावा किया, सजा बिनत अल हारिस। यहूदी उलमा में से किसने इस्लाम कबूल किया, अब्दुल्ला बिन सलाम। मुसलमानों और रोमियों के दरमियान पहला मार्का कौन सा था, तो मोता। गाय भैंस का निसाब ज़कात 30 अदद है। अबू अल कासिम अल ज़रावी अंदलसी किस शोबा साइंस का माहिर था, तो ये तिब व जराहत के माहिर थे। क्वेश्चन नंबर 16, बैतुल मक़द्दस फ़लस्तीन के किस शहर में वाक़िया है, यरूशलम में। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद उम्मे अमन हज़रत सल्लम को मक्का लेकर आईं। अरस्तु को मौलम अव्वल कहा जाता है जबकि मौलम सानी जो हैं अलफ़राबी हैं। नमाज ईद में 6 तकबीरें ज़ायद होती हैं। अरब लीग का सदर दफ्तर काहिरा में वाक़िया है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है, किस मुल्क से तल्लक था, जी हज़रत शुएब का, तो वो रोम से तल्लक रखते थे। ऊँटनी का मोजज़ा किस पैगंबर से मंजूब है, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी क्वेश्चन नंबर 24, तर्जुमान अल कुरान का लकब किस सहाबी को दिया गया, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। किस सूरह को रुसल कुरान कहा जाता है, सूरह रहमान। कुरैश मक्का की पार्लियामेंट का नाम क्या था, दारुल निदवार। जमा या रफ़ा किसे कहते हैं, पेश को। हरूफ़ शमसिया तादाद में कितने हैं, 14। कुरान करीम की रूह से अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान को कितने दिनों में तख्लीक किया, तो 6 दिन। इस्लामी अंदलस का मशहूर आलम जयाब किस फ़न का माहिर था, तो फ़न मौसीकी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।